भरोसे की पीठ पे चीन ने उतारा धोखे का खंजर। जंग के लिए चीनी सेना की सबसे माकूल तैयारी। चीन ने लद्दाख में ताने 800 के करीब सैन्य टेंट। जवाब में भारत उतारेगा सबसे भयानक रेजिमेंट। विश्व के सबसे भयानक युद्ध के लिए तैयार है भारत। दोस्तों, इस वक्त चीन से जो खबर है उसे जानकर सबके होश उड़ गए हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा खत्म किया है और चीन, पाकिस्तान और तालिबान को लेकर अमेरिका और भारत के बीच इतिहास की सबसे अहम डील हुई है, जिनके बाद ड्रैगन के भी होश उड़े हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुई इन ताजा समझौतों के बाद चीन ने लद्दाख में तगड़ा कांड कर दिया है। पक्की खबर है कि चीन रात के समय भारत की सीमाओं में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश में है। सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एक साथ घुसने की चीन ने पूरी प्लानिंग बना ली है। इसके लिए चीन ने सिर्फ लद्दाख बॉर्डर पर 700 से ज्यादा सैन्य टेंट लगा दिए हैं, जहां पर हजारों लाखों सैनिक और नए हथियारों को लाया गया है। एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन भरोसे के लायक नहीं, बल्कि पीठ में खंजर घोंपने वाला काम कर रहा है। चीन भारत के एक बेहद अहम हिस्से पर कब्जा करने के फिराक में है, जहां पर चीन की हलचल देखी गई है। चीन ने भारत के इलाके के आसपास 50,000 नए सैनिकों की तैनाती की है। यानी चीन कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है और वो मौके की तलाश कर रहा है। हालांकि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना ने भी जोरदार तैयारी की है। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। वहीं भारत भी चीन को करारा जवाब देने के लिए एक नई रेजिमेंट उतारने जा रहा है, जिनकी वार से चीन को कोई नहीं बचा पाएगा। चीन की गर्दन काटने के लिए ही खास तौर पर इस रेजिमेंट को तैयार किया जा रहा है। ये रेजिमेंट दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है। भारत SFF के साथ साथ ये रेजिमेंट भी दुश्मन को तगड़ी चोट देने वाली है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि चीन ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने के लिए कौन सा नया कांड करने की तैयारी की है। वहीं चीन का मुंह तोड़ने के लिए भारत ने कौन सी नई रेजिमेंट को उतारने का फैसला किया है और उसके नए लड़ाके कितने खतरनाक हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है चीन। LAC पर लौटे हजारों लाखों और नए चीनी सैनिक। एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड को किया गया एक्टिव। दोस्तों, ड्रैगन का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आया है। भारत के साथ LAC पर शांति बहाली के लिए दर्जन भर से ज्यादा बैठक करने वाला चीन साजिशों का ताना बाना भी बुन रहा है। सीमा पर चीन की नई तैयारियों पर नया खुलासा हुआ है, जिससे अब फिर से साबित हो गया है कि हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ बातें हैं। असल में चीन भरोसे की पीठ में खंजर उतारने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन ने कितनी बड़ी तैयारी कर ली है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बाद आपको चीन के नापाक इरादों के बारे में पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, चीन की नजर लद्दाख में सबसे अहम इलाके दौलत बेग ओल्डी और गोगरा हाइट्स पर कब्जा करने की है। इसके लिए चीन ने इसके आसपास 50,000 नए जवान उतार दिए हैं। साथ ही चीनी सेना LAC से सटे इलाकों में जिनपिंग की सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन उन क्षेत्रों के नजदीक भेजे जा रहे हैं जहां हमारे सैनिकों की तैनाती है। दौलत बे गोल्डी और गोगरा हाइट समेत विवाद वाले कई हिस्सों में चीनी ड्रोन की हलचल देखी गई। चीन भारत से काफी लंबा युद्ध करने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन पूरे जोर शोर से पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले चीन अपने सैनिकों के लिए टेंट की जगह पक्के मकान का इंतजाम कर रहा है। भारतीय जवानों का मुकाबला नहीं कर पाने वाला चीन कम से कम सर्दी से मुकाबले की तैयारी में जुटा है। इतना ही नहीं, भारत से मुकाबले के लिए चीन तिब्बत में निवेश के साथ साथ लोगों को भी जबरन सेना में शामिल कर रहा है, ताकि LAC के इलाकों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद
एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर नए मॉड्यूल कंटेनर यानी अस्थायी टेंट जैसे रहने की व्यवस्था की है। चीन ने लद्दाख में ताने 700 से ज्यादा सैन्य टेंट। तैनात हुई होविजर टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों, चीन ने सीमा पर क्या तैयारी की है, इसका अंदाजा यूं लगा लीजिए कि चीन ने सीमा पर 8 से ज्यादा अलग अलग लोकेशन पर सेना के लिए कैंप बनाए हैं। हर एक लोकेशन पर 100 से अधिक टेंट हैं, यानी सीमा पर चीन ने एक साथ 800 से अधिक सैन्य टेंट लगा दिए हैं। वहीं चीनी सेना ने उत्तर में कराकोरम पास के करीब वहाब जिलगा से लेकर पीयू हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगोंग, मांजा और चुरुप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है। हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद से चीन ने कई कैंप बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंप्स के अलावा बनाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है, बल्कि चीनी सेना अब रात के समय बमबारी करने का भी अभ्यास कर रही है। अब रात के समय बमबारी का अभ्यास, वो भी भारतीय सीमा के बिल्कुल बगल में। यानी चीन बेहद जल्द सीमा पर घुसपैठ करने की एक बड़ी कोशिश को अंजाम देने वाला है, इस बात की पक्की खबर है। वहीं चीन ने सीमा पर होविट्ज़र टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। वहीं चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों का लगातार मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीन अपने सैनिकों को रोटेट यानी कि बदल भी रहा है, ताकि पहले से तैनात सैनिकों को कुछ आराम देकर वापस लड़ने भेजा जा सके। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहाँ अपने प्रमुख एयर बेस होतन, कशगार, गरगुंसा, लहासा गुंगर और शिगात्से को भी अपग्रेड किया है। यानी चीन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन दोस्तों, चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार भी कोई शांति से नहीं बैठी है, बल्कि चीनी सेना को तीसरी बार बुरी तरह से ठोकने के लिए नई नई फोर्स का ऐलान कर रही है। और न केवल ऐलान, बल्कि बुलेट की रफ्तार से इन सेनाओं को तैनात भी किया जा रहा है। हाल ही में हमने आपको भारत के नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जवानों के बारे में बताया था, जो संख्या में मात्र 10,000 हैं, लेकिन अकेले ही चीन का गेम बजाने का मादा रखते हैं। कुमाऊं गढ़वाली युवक बनेंगे चीन का काल। गोरखा के समान है भारत की सबसे खूंखार रेजिमेंट। दोस्तों, चीन किसी भी वक्त एलएसी पर कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए भारत उस रेजिमेंट को तैयार कर रहा है जो गोरखा रेजिमेंट की तरह ही खूंखार है। इंडियन आर्मी की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी गोरखा रेजिमेंट के बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाल मूल के गोरखा या फिर भारतीय मूल के गोरखा ही होते हैं। लेकिन अब गोरखा रेजिमेंट में कुमाऊनी और गढ़वाली युवकों की भर्ती हो रही है। ये कुमाऊं और गढ़वाली गोरखा की तरह ही खतरनाक हैं। भारतीय सेना में इस वक्त गोरखा जवानों की कमी है। भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना बटालियन में करीब 800 जवान और जीसीओ गोरखा होते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय सेना में हर बटालियन में करीब 100 गोरखा जवानों की कमी चल रही है। अगर कुल देखें तो भारतीय सेना में इस वक्त करीब 4,500 गोरखा जवानों की कमी है। ये कमी पिछले 1-2 साल से आई है। इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए भारतीय सेना में जवानों की भर्ती में एक बार की छूट दी गई और गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भर्ती किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को इसलिए भी भर्ती किया जा रहा है क्योंकि ये काफी हद तक गोरखा के समान है। कल्चर से लेकर खान पान में और भौगोलिक स्थितियों में जिसमें वो रहते हैं काफी समानता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि जल्द ही गोरखा जवानों की कमी दूर होगी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा की कमी नहीं है, बल्कि भारत के गोरखा जवानों की कमी है। और अब चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाली युवक चीन को ठोकने का काम करेंगे। गोरखा रेजिमेंट में शामिल होंगे कुमाऊनी गढ़वाली। चीन को जवाब देने के लिए भारत की नई तैयारी।
दोस्तों इस वक्त दुश्मन भारत की सीमा तक आ पहुंचा है, इसलिए भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ साथ अब भारत खतरनाक कुमाऊनी गढ़वाली के उस ग्रुप को उतारने वाला है जिनकी बहादुरी के किस्से लोग सुनाते हैं। इसी क्रम में अब मोदी सरकार ने इन कुमाऊनी गढ़वाली युवकों को गोरखा रेजिमेंट में शामिल कर उन्हें चीन के खिलाफ तैनात करने का फैसला किया है। इस वक्त भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंटल सेंटर में करीब 600 कुमाऊनी गढ़वाली युवक ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गोरखा रेजिमेंट में गोरखा ही होते हैं, चाहे वो नेपाल के गोरखा हो या भारतीय गोरखा। भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और 4 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर जहां गोरखा जवानों की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट के अलावा अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर सेना में एक ऐसे शानदार ग्रुप या फिर फोर्स बनाने की तैयारी हो रही है जो जरूरत पड़ने पर हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहेगा। इस ग्रुप के जवान एक आदेश पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल भारतीय सेना में जवानों का एक ऐसा ग्रुप बनाने की तैयारी हो रही है जो युद्ध की स्थिति में एक आदेश पर तोप, टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ हर स्थिति के लिए तैयार होगा। भारतीय सेना IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए इस फोर्स को तैयार किया जा रहा है कि किसी भी हथियार को जो चलाना जानती हो। फोर्स को उतारने के बाद भारत की युद्ध कला पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में 8 से 10 हजार जवान शामिल होंगे। ये किसी भी परिस्थिति में सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। इस ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर, टैंक और तोप जैसे हथियार रहेंगे। फिलहाल इन सब के लिए सेना में अलग अलग रेजिमेंट हैं, लेकिन IBG के जवान इन सब को ऑपरेट करेंगे। इस ग्रुप के साथ ही भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति के बराबर आ खड़ा होगा और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मन देशों की सेना पर केवल ये ग्रुप ही भारी पड़ेगा। खैर दोस्तों, चीन अटैक करने की नापाक कोशिश में है, लेकिन भारत भी अपनी तरफ से चीन को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। दोस्तों चीन के खिलाफ मोदी सरकार और भारतीय सेना की तैयारी को आप अपना समर्थन देते हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट में चीन के खिलाफ भारत को और क्या रणनीति बनानी चाहिए इसको लेकर राय देना ना भूलें।